हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर आप लोगों का मेरे ऑनलाइन सेगमेंट में स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप लोग सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। जैसे कि आप लोगों के पीछे स्क्रीन पर देख रहे होंगे, आज इस वीडियो में हम लोग इम्परेटिव के एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के बारे में बात करेंगे, लेकिन हमारे पार्ट टू रहेगा। पार्ट टू रहेगा तो आप जो लोग जानते हैं, इतना आपके अंदर कॉमन सेंस है कि शायद इम्परेटिव की एक वीडियो हम लोगों ने क्या कर दी है, अपलोड कर दी है। क्या कर दिया? अपलोड। यानी थोड़ा सा इम्परेटिव सेंटेंस क्या हो जाता है, पैसिव वॉइस थोड़ा सा बड़े हो जाते हैं इसके, क्योंकि अभी थोड़ा मैं डीपली रूल कराऊंगा इसके। तो मैंने पहले इसका एक आधा पार्ट रिलीज कर दिया है, आप लोग उसको देखें, प्लेलिस्ट में आप लोगों को मिल जाएगा। आज सेकंड पार्ट है हमारा इम्परेटिव सेंटेंस का। तो लास्ट में जैसा कि मैंने छोड़ा था मैंने कि प्लीज़ और काइंडली आ जाए ना, तो किसका प्रयोग कर रहे थे? यू आर रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग कर रहे थे, नहीं कर रहे थे कि प्लीज़ और काइंडली को उठाकर यू आर रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग करते हैं, इतना मैंने आप लोगों को बोला था। तो ठीक है, एक और एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं हम लोग प्लीज़ और उस वाले की। मैंने बोला प्लीज़ हिम, ठीक है, प्लीज़ हिम, इसे करें आप लोग, ठीक है, करो इसको। तो मेरे जो रसगुल्ले ना, इसका आंसर क्या देंगे, बहुत से रसगुल्ले आंसर देंगे, सर यू आर रिक्वेस्टेड टू हिम। बहुत से रसगुल्ले क्या देंगे, ये आंसर दे देंगे, सर ये आंसर देंगे ना। तो सर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सर क्या हो जाएगा, गलत। आप बोलोगे सर गलत क्यों हो गया, सर आपने तो पिछली वीडियो में बताया था कि प्लीज़ और काइंडली आ जाए तो उसको उठाकर यू आर रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग करते हैं। सर हमने वही तो किया है, प्लीज़ को उठा दिया है सर, और यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा दिया है, और लास्ट में क्या लगा दिया, हम लोगों ने हिम लगा दिया है। सर मैंने ये बोला था, आई एक्सेप्ट, पर सर देखें, ये सर देखें, मेन वर्ब के बाद क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है ना, मेन वर्ब के बाद क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है ना। सेकंड वीडियो है, मेन वर्ब के बाद क्या है आपका, ऑब्जेक्ट आ रहा है ना। इसको देखें, ठीक है, इसको देखें, प्लीज कम हियर, एक बाकी क्या है, प्लीज कम हियर, और फिर देखें प्लीज हिम। विशेष तौर पर देखें आप लोग, ठीक है, कि प्लीज कम हियर और प्लीज हिम, इसमें देखना सर, प्लीज के बाद क्या आ रहा है, कम आ रहा है सर, मेन वर्ब आ रहा है। इसमें देखें सर, प्लीज के बाद हिम आ रहा है, हिम क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, हिम क्या होता है, ऑब्जेक्ट। तो ध्यान रखें, यहां पर प्लीज किसी कंजेक्शन या एडवर्ब का काम ना कर, अर्थात यहाँ पे कृपया का सेंस ना देकर, आप जानते हैं प्लीज माने क्या होता है, कृपया होता ना होता, तो क्या होता है, तो यहाँ प्लीज का अर्थ कृपया ना होकर क्या है, प्रसन्न करना। प्लीज माने क्या होता है, प्रसन्न करना भी होता है। बोला आई एम प्लीज्ड विद यू, आई एम प्लीज्ड विद यू, मैं तुमसे खुश हूं ना, तो इसमें वही सेंस है, प्लीज हिम उसे खुश करो, प्लीज हिम उसे खुश करो। तो इसलिए यहाँ मेन वर्ब का काम कर रहा है, और सर यहाँ मेन वर्ब का काम कर रहा है सर, तो सबसे पहले क्या फॉर्मूला होता है, लेट वाला होता है, लेट हिम बी प्लीज्ड, लेट हिम बी प्लीज्ड, इस तरीके से यहाँ पे होगा। अगर प्लीज मेन वर्ब का काम करे तो लेट वाले फॉर्मूले से, और मेन वर्ब का काम ना कर यहाँ पर इसके एडवर्ब के रूप में काम करे, यानी किसके रूप में काम करे, कृपया के सेंस में काम करे, कृपया के सेंस में काम करे, तो आपको यू आर रिक्वेस्टेड टू लगाना है, और मेन वर्ब के रूप में काम करे तो आपको क्या लगाना है, लेट वाला फॉर्मूला लगाना है। अब बोलोगे सर कैसे पता पड़ेगा, सर ऐसे पता पड़ेगा, अगर प्लीज मेन वर्ब होगा ना तो ऑब्जेक्ट आएगा हमेशा, और प्लीज मेन वर्ब नहीं होगा ना तो मेन वर्ब, तो फिर क्या आएगा आपका, मेन वर्ब आएगा, क्या आएगा, मेन वर्ब। अगर प्लीज मेन वर्ब है तो ऑब्जेक्ट आएगा, और ऐसे करना है। अगर प्लीज मेन वर्ब नहीं है तो उसके बाद क्या आएगा, मेन वर्ब आएगा, प्लीज मेन वर्ब नहीं है तो उसके बाद मेन वर्ब आएगा, और प्लीज मेन वर्ब है तो उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। इसलिए इसका रियल आंसर क्या होगा, ये होगा, ठीक है। विशेष तौर पे आप लोग क्या, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर इसको क्या कर लें आप लोग, उतार लें, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। हालांकि मैं आपको चाहता तो 12th लेवल तक नहीं बताता, क्यों, 11th 12th लेवल तक ये चीज़ें नहीं आएंगी, लेकिन कंपटीशन में भी आ जाएंगे, स्टूडेंट्स कंपटीशन वाले बंदे टच में रहते हैं, ठीक है। आई होप आपके समझ में आ गया होगा, ओके, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, आगे भी बात कर लेते हैं। सर आगे कहाँ बात करेंगे, सर यही बात करेंगे ना। सर देखो क्या करना है, आपको याद करना है वाक्य में क्या आ जाए, सर वाक्य में सर लेटस आ जाए, सर क्या आ जाए, लेटस। तो सर इसको उठा के हम क्या लगाना है, लेटस को लगाकर कुछ नहीं लगाना, छोटा सा शब्द लगाना है, बस छोटा सा क्या लगाना है, इट इज सजेस्टेड, इट इज सजेस्टेड
दैट वी शुड, वी शुड, ठीक है सर, छोटा सा शब्द लगाना है। क्या लगाना है सर? के वाक्य में लेट अस आ जाए, तो पैसे बॉयस बनाते समय सर एक छोटा सा शब्द लगा दें, लेट अस को हटा दें और क्या लगा दें, इट इज सजेस्टेड दैट बी शुड का प्रयोग करते हैं। रूल क्या होता है? रूल तो ये होता था कि लेट अस को उठाकर इट इज सजेस्टेड लगाते हैं और लेट अस को बी शुड में बदल देते हैं। यार आप लोग पूरी सप्ताह ना करके हफ्ते में ही बात कर लें ना, अर्थात छोटे छोटे टुकड़ों में ही बात कर लेना। क्या बात कर लें? कि वाक्य में लेटस आ जाए ना, तो लेटस को पूरे को हटा दें और क्या लगा दें, इट इज सजेस्टेड दैट बी शुड का प्रयोग कर लें। बोलोगे सर ऐसे समझ में नहीं आता सर, एग्जांपल बताएं। ठीक है सर, एग्जांपल देंगे सर, ऐसे आ जाए लेट अस, लेटस कहाँ जाओगे बताओ, चलो आगरा चलते हैं, लेटस गो टू आगरा, लेटस गो टू आगरा सर। ठीक है, तो देखो लेटस आ रहा है रसगुल्लो, ठीक है लेटस आ रहा है, तो सबसे पहले क्या लगा दें, इट इज क्या लगा दें, इट इज सजेस्टेड, इट इज सजेस्टेड, उसके बाद क्या लगाना है सर, इट इज सजेस्टेड दैट, उसके बाद क्या लगाना है, बी शुड, इट इज सजेस्टेड दैट बी शुड। फिर कहाँ जाना है, गो टू आगरा, कहाँ जाना है, गो टू आगरा, ठीक है कहाँ जाना है, गो टू आगरा। ठीक है दोबारा समझ लो, कुछ नहीं किया है मैं, लेटर्स को उठा दिया है और इट इज सजेस्टेड दैट बी शुड यहाँ तक मैंने बोला था, और बाकी का जो गो टू आगरा है, गो टू आगरा मैंने आपका पीछे ही पहुँचा दिया है। क्लियर, समझ में आ गया आप लोगों को, उतार सकते हैं ठीक है, या नहीं उतारना चाहते हैं तो आप लोग स्क्रीन शॉट इसका ले सकते हैं। ओके, या वीडियो को आप पॉज करके देख लेना आप लोग, ठीक है एक और लिखें आप लोग सॉल्व करें जब तक, लेट अस डू इट, तो कैसे करेंगे इसको, लेट अस डू इट, जल्दी आंसर बताएं कमेंट में, आप आंसर बता सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड डू इट। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, लेट अस डू इट, तो आपने क्या करवा होगा, मेरे को पूरा आशा है आपने किया होगा, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड डू इट, ऐसे तो करोगे आप लोग। क्लियर, तो आप लोगों को लेट अस वाला हमेशा ऐसे ही करना है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट देखें आप लोगों को, मैं ये एग्जाम बोल रहा हूँ, इसको इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल भी आप लोग कर सकते हैं। मैंने क्या बोला, मैंने बोला लेट मी डू इट, लेट मी डू इट, इसका पैसिव वॉइस बनाएं, लेट मी डू इट, इसका पैसिव वॉइस बनाएं। आप बोलोगे सर लेट तो आप लोग आंसर में देते थे कि जब हम पैसिव वॉइस करते थे उसमें लेट लगाते थे सर, लेकिन आपने तो क्वेश्चन में ही सर लेट दे दिया है, तो सर लेट दे दिया है तो आपको कैसे करना है, ध्यान रखना इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, पर आप लोग जैसा मैं करा रहा हूँ वैसे ही करना है आप लोगों को हमेशा। अगर लेट आ जाए ना, पहले से ही एक्टिव में लेट क्या आ जाए, लेट आ जाए, तो कैसे करना है आप लोगों को सर, तो ऐसे करना है आप लोगों को, लेट का लेट रखें साहब, लेट क्या हो गया, लेट हो गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट लेके आए पीछे से, तो लेट इट, ठीक है डू के बाद मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है, तो लेट इट हो गया। याद करें लेट के बाद ऑब्जेक्ट के बाद क्या लगाते हैं, बी लगाते हैं ना, फॉर्मूले बताया था मैंने कि लेट ऑब्जेक्ट और बी, तो लेट इट बी, लेट इट बी। डू का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा आपका, डन हो जाएगा, डू का थर्ड फॉर्म डन हो जाएगा। बस क्या करना है, सिर्फ इस मी को लास्ट में लेके आएंगे तो उससे पहले क्या लगा देंगे, बाई मी लगा देंगे। मैं आपको फॉर्मूला लिखा दूं, क्या लिखा दूं, कि यार लेट का लेट रखते हैं, ऑब्जेक्ट लेके आते हैं, फिर वी लगाएंगे, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, यहाँ पे जो कोई ऑब्जेक्ट आएगा उसको पीछे लेके जाएंगे तो उससे पहले बाई लगा देंगे। तो आप सिंपली ये समझ लें ना, एग्जाम्पल से समझ लें कि ऐसी कंडीशन कभी बने कि लेट मी डू इट वाली ऐसी बने, कैसी बने, इतना याद करना है कि अगर वाक्य में सबसे पहले लेट आ जाए तो लेट का लेट रखें आप, उसके बाद लास्ट में पहुंचे, लास्ट वाले ऑब्जेक्ट को लेके आना है, तुरंत लेट वाले ऑब्जेक्ट को नहीं लाना है, लास्ट वाले ऑब्जेक्ट को लेके आना है। तो साहब लेट लेके आ गए, लेट इट हो गया, इट को लेके आए तो लेट इट, फिर देखें लेट के साथ क्या लगाते हैं, फॉर्मूले वी लगाते ही लगाते थे, तो लेट इट वी हो गया साहब। फिर डू का क्या हो गया, थर्ड फॉर्म डन हो गया, मी का क्या कर देंगे, भाई मी कर देंगे, ठीक है मी का क्या कर देंगे, बाई मी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 12th लेवल पर नहीं मिलेगा, ये कंपटीशन का रूल है, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप उतार सकते हैं, और दूसरा एग्जांपल भी आप लोग देख सकते हैं। ओके,
इसी बात पे क्या बनता है, इसी बात पे लाइक तो बनता है और क्या बनता है, चैनल सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो आप लोगों को क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। और सब कुछ याद ना करके क्या करना है, सिर्फ चैनल की वीडियोस को क्या करना है, शेयर करना है। सब कुछ भूलें लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, एक और समझे, ऐसे आ जाए, लेट हिम चेक इट। ठीक है, तो सबसे पहले वही लेट आगे नहीं आ गया, ठीक है, तो लेट आ गया तो सब क्या करेंगे, अभी बताया था मैंने लेट का, तो लेट रखते हैं, पीछे पहुंचते हैं, पीछे वाला ऑब्जेक्ट लेके आते हैं, तो लेट इट हो गया। उसके बाद बी लगाते हैं, फिर यहाँ पे जो मेन वर्ब होती है उसकी क्या लगाते हैं, थर्ड फॉर्म लगाते हैं साहब, क्या हो गया, चेक्ड हो जाएगा। तो लेट इट बी चेक्ड, और हिम का क्या हो जाएगा, बाई हिम हो जाएगा, हिम का क्या हो जाएगा, बाई हिम हो जाएगा। इज दैट क्लियर, समझ में आया आप लोगों को, तो लेट इट बी चेक्ड बाई हिम, इस तरीके से आप लोगों को करना है। ओके, ठीक, आगे समझें, अभी इम्परेटिव में और एक दो रूल हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्या है, इसमें रूल रहेंगे, रूल क्या रहेंगे समझें, इम्पोर्टेंट है, आप उतार भी सकते हैं, मैं साथ ही साथ में बोल रहा हूँ। अगर एक्टिव वॉइस में आज्ञा का भाव हो, आदेश का भाव हो, कमांड देने का भाव हो, तो पैसिव वॉइस बनाते समय यू आर, तो पैसिव वॉइस बनाते समय किसमें चेंज करेंगे, तो पैसिव वॉइस बनाते समय यू आर ऑर्डर्ड टू, ठीक है, और सलाह का भाव हो तो क्या करना है, सलाह का भाव हो तो यू आर एडवाइज्ड टू का प्रयोग करना है। वही कंडीशन है, कौन सी कंडीशन, जब प्लीज और काइंडली आ रहा था, तो प्लीज और काइंडली हटवा के क्या लगवा रहा था मैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग करवा रहा था। यही कंडीशन इसमें क्या है, यही कंडीशन है, अगर एक्टिव में ऐसा सेंस है जैसे कि आदेश दे रहा है, जैसे कि ऑर्डर दे रहा है, तो क्या करना है, यू आर ऑर्डर टू कर देना है। और ऐसा सेंस है जैसे कि सलाह दे रहा है, क्या दे रहा है, सलाह, तो क्या करना है, आप लोगों को उसी सेंटेंस के ऊपर कला खेल लेना है। जैसे दे रहा है सलाह, तो आप क्या करेंगे उसके ऊपर कला, तो क्या कर देना है, यू आर एडवाइस टू कर देना है। ओके, कैसे कर देना है साहब, समझे, ऐसे आ जाए, कैसे आ जाए, ओबे ओबे द रूल्स ऑफ द रोड, ऑफ द रोड, तो देखो भाई, ठीक है, इसमें देखें कि सर क्या कह रहा है कि ओबे द रूल्स ऑफ द रोड, रोड के नियमों का, आज्ञा का पालन करो, यानी रोड के जो नियम है उनका क्या करो, पालन करो। तो क्या दे रहा है, आदेश दे रहा है या सलाह दे रहा है, क्या दे रहा है, सलाह, कि रोड के या यातायात के नियमों का क्या करो, पालन करो। ठीक है, ऐसे आपको सेंस निकालना पड़ेगा, तो आपको सलाह दे रहा है तो क्या करना पड़ेगा, आपको यू आर एडवाइज्ड, यू आर एडवाइज्ड टू, फिर क्या लगा देंगे, ओबे, जैसा है वैसा आप उतार देंगे। ठीक है, कैसे कर देंगे, यू आर एडवाइज टू, फिर ओबे द रूल्स ऑफ द रोड। ठीक है, सलाह का भाव था इसलिए मैंने बोल दिया है, क्या बोल दिया है, यू आर एडवाइज टू, फिर जैसा है वैसा उतार देना है, ओबे द रूल्स ऑफ द रोड। क्लियर, ब्लैक मार्क, ओके, ठीक है, तो एक और एग्जांपल आप समझ सकते हैं, एक और समझें, एक और देखें एग्जांपल, ऐसे बोल दिया जाए, चलो इसका पैसे बॉस बनाओ, डू का पैसे बॉस क्या होगा, डू का पैसे बॉयस क्या होगा, सर आप बोल रहे हो आप भी खिसक गई है क्या, सही है कि सर इसका पैसे बॉयस कैसे बन जाएगा, डू का तो पैसे बॉयस बनेगा ही नहीं कुछ, क्यों इसमें तो क्यों सिर्फ क्या है, मेन वर्ब आ रहा है, कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं आ रहा है, तो कुछ नहीं करना है आप लोगों को, क्या करना है, ठीक है, हालांकि ऐसे कभी आते नहीं है, तो सीधा सा कर देना है आप लोगों को कि डू हो रहा ना, डू बोल रहा है, तो क्या कर देना आप लोगों को, ऐसे कर देना है, यू आर ऑर्डर्ड, ठीक है,
यू आर ऑर्डर्ड टू डू, बस हो गया आपका पैसे बस, ठीक है। यू आर ऑर्डर्ड टू टू डू, ठीक है। क्या डू क्या करना है, करो बोलते ना, करो। इसमें क्या है, इट क्या है, साइलेंट है वैसे तो, ऑब्जेक्ट साइलेंट है। चाहे तो आप लोग कोई बोलते बताए डू का पैसे बस क्या होगा। तो पहली बात तो आपको कंपटीशन एग्जाम में ना देखा ना बोर्ड क्लासेस में देगा, लेकिन क्या है आपके फ्रेंड्स वगैरह कुछ पूछ लेते, ज़्यादा पढ़ के आ जाते हैं ना तो पूछ लेते हैं, तो उनसे आप पूछ सकते हो बता डू का पैसे बॉयस क्या होगा। तो क्या कर लेना है आप लोगों को, तो डू का पैसे बॉयस कर देना है यू आर ऑर्डर टू डू, यू आर ऑर्डर टू डू ऐसे कर देना है। ये अपनी तरफ से इट लगा देना है, यहाँ पे क्या लगा देना है, इट लगा देना है पीछे, ऐसे आप ऐसे नहीं करें यू आर ऑर्डर टू डू टू डू इट, तो ऐसे भी चलेगा। हालांकि बस क्या है, जस्ट क्या है, मतलब आपको कोई कंपटीशन का रूल नहीं है, कहीं जी बोर्ड क्लासेस का रूल नहीं है। अबूबन ने मैंने देखा है कई स्टूडेंट्स ने ऐसे पूछा है, तो इस तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं। आई होप आपके समझ में आ गया होगा, क्लियर। तो आप लोगों को याद रखना है, सीधी सी बात है, सलाह का भाव हो तो यू आर एडवाइस टू में कर देना है, यू आर एडवाइस टू में, और आदेश का भाव हो तो क्या कर देना है आप लोगों को, यू आर ऑर्डर टू कर देना है, यू आर ऑर्डर टू कर देना है। उसके बाद देखें एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि आप लोगों ने शायद नहीं पढ़ा होगा, अगर वाक्य में क्या आ जाए, बुड़ आ जाए, ठीक है, वुड प्लस सब्जेक्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट ध्यान देना, वुड प्लस सब्जेक्ट आ जाए या कुड प्लस सब्जेक्ट आ जाए। आई होप आपने नहीं पढ़ा होगा, चलो ब्रैकेट में बोल देता हूँ मैं लाइक टू, ब्रैकेट में क्या बोल देता हूँ मैं, लाइक टू बोल देता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट पैसे वॉइस इसका, ठीक है, मैं लाइक टू बोल देता हूँ। क्या रूल है आप याद कर सकते हैं, यदि इंपरेटिव सेंटेंस में सबसे पहले क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस में वुड प्लस सब्जेक्ट आ जाए, सॉरी एक्चुअली में रूल किसका है, इनडायरेक्ट का है, किसका है रूल है, इनडायरेक्ट का है, थोड़ा इनडायरेक्ट में ऐसा होता है, ओके। तो ये क्या है, इसका पैसिव वॉइस वगैरह में नहीं आते हैं, कहाँ पे आते हैं, ये हमारे इनडायरेक्ट में आते हैं, ठीक है। तो कहाँ कराएंगे हम लोगों को इसको, इनडायरेक्ट में कराएंगे। थोड़ा सा देखा होगा आप पैसिव वॉइस इनडायरेक्ट पढ़ते हैं, तो उनके रूल क्या होते हैं, सेपरेटली क्या होते हैं, थोड़े से मर्ज करके होते हैं, तो ठीक है। ये रूल किस में आपका, ये रूल इनडायरेक्ट में, वुड प्लस वाला कहाँ पर, इनडायरेक्ट में ये आता है, ओके। तो देखें हमारे क्या हो गए, इम्परेटिव के एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के क्या हो गए, रूल्स हमारे फिनिश हो गए, ठीक है। यानी पूरे असर्टिव के भी मैंने कराए आप लोगों को, इंटरगेटिव के भी मैंने कराए, और आपको इम्परेटिव सेंटेंस के भी आप लोगों को मैंने पैसिव वॉइस करा दिए। अब क्या है, कुछ स्पेशल रूल्स रह गए हैं, जैसे कि इज टू, जैसे कि मैं आपको बोल दूँ ऐसे बोल दिया जाता ना, ऐसे जैसे बोल दिया जाता भाई, बोलोगे आई एम टू डू इट, आई एम टू डू इट का पैसे बॉयस क्या होगा, पढ़ा है आप लोगों ने कि आई एम टू डू डू इट का पैसे बॉयस क्या होगा, क्योंकि पहले से ही टू आ रहा है, क्या आ रहा है, पहले से ही टू आ रहा है। या फिर मैं क्या बोल दूं, या फिर बोल दूं मैं आप लोगों को इस तरीके का बोल दूं, इट इज टाइम टू शट द डोर, इट इज़ टाइम टू शट द डोर, ठीक है। इस तरीके का कुछ स्पेशल है, कभी पढ़ा है आपने कि इट इज़ टाइम टू शट द डोर का पैसिव वॉइस क्या होगा। उसके बाद देखें ऐसे बोल दें कि पीपल, ठीक है, पीपल से दैट यू शुड डू इट। इस तरीके क्या है, कंपटीशन के एग्जाम के कुछ, आई एम टू डू डू इट, एम टू, एज टू, आर टू, हैज टू, हैव टू, ठीक है, इस तरीके का पैसिव वॉइस, इस तरीके के पैसिव वॉइस। तो आपके कुछ कंपटीशन के पैसिव वॉइस इसमें रह गए हैं, लेकिन इसको मैं एक ही शर्त पे कराऊंगा, अगर आप लोग कमेंट करके बताएंगे, थोड़े से अच्छे खासे कमेंट आएंगे कि हाँ आप चाहते हैं कि सर आगे थोड़े से एडवांस रूल भी करा दीजिए पैसिव वॉइस के, तो मैं कराऊंगा, अदरवाइज नहीं कराऊंगा, क्योंकि मैंने जो पैसिव वॉइस कराए हैं वो कंपटीशन में भी आएंगे और बोर्ड क्लासेस में तो आएंगे ही आएंगे। लेकिन आप कुछ एक्स्ट्रा रूल चाहते हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के, तो आप लोगों को एक काम करना है, कमेंट करके आप लोगों को बताना है, और सिर्फ मैं कमेंट आएंगी अच्छी खासी तभी मैं आप लोगों को बताऊँगा। और वीडियो को आप शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।